गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपको पता है, हम ऑप्टिक्स को आज खत्म करेंगे, सारे कंसेप्ट को और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़े ही हमारे कंसेप्ट रह रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट हम एक बार करके और फिर हमें जो है क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो एक बार मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप लोग आ जाइए और मैक्सिमम ग्रुप में आप एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार कनेक्ट हो जाइए, फटाफट आ जाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार आ जाइए आप लोग फटाफट। हाँ, जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ, राजेंद्र जाट, हेलो। हाँ बिल्कुल। डेविड रवि यादव, गुड इवनिंग। हाय सर, कैसे हैं? राजकुमार जी बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हो? अमन, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। अश्विनी कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अमन सविता, हेलो, हाय। जल्दी फटाफट एक बार आ जाइए आप लोग। हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार आप शेयर कर दें, एक बार आप शेयर कर दें क्लास को, ताकि और भी जो है आ सके। एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, बस एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे अभी आपको। हाँ क्वेश्चंस भी करेंगे और हम कंसेप्ट थोड़ी रह रही है हमारी, कंसेप्ट भी सीख लेंगे और फिर हमें क्वेश्चंस भी करने। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। हाँ मन लगा के एक बार शेयर कर दीजिए, वेरी गुड। शाबाश। हाँ बिल्कुल, डिफेंस लवर पन्ना वाले सर। हाँ बिल्कुल। सत्येंद्र कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कौशिक चटर्जी, हाँ गुड इवनिंग। हाँ जय हिंद। शुभम कुमार, जय हिंद। अंकित, हाँ गुड इवनिंग। इंद्रजीत, हाँ बिल्कुल हाय। हाँ बिल्कुल, वाई ग्रुप की भी तैयारी करवाएंगे सत्येंद्र। हाँ हेलो। हाँ जीशु अंसारी, गुड इवनिंग। जयप्रकाश, हेलो जयप्रकाश, फटाफट आ गए सर, वेरी गुड। फटाफट आ जाइए और फटाफट शेयर भी कर दीजिए रवि रंजन जी। ठीक है, राहुल भारतीय, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए वेरी गुड, आपकी कृपा है सर। ओके राजकुमार जी, बिल्कुल रहेगी, हमेशा रहेगी। विशाल, हाँ जय हिंद, जय हिंद विशाल। राम अवतार तिवारी, हाँ नाइस, ठीक है, वेरी गुड। बलविंदर कौर, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ सॉरी सर, मैं मॉर्निंग में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप क्लास देख लीजिए, कल से जरूर आना है मॉर्निंग में। प्रेम तिवारी जी, सत्यम, हाँ गुड इवनिंग। डॉली गौतम, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश। हाँ एक बार आप लोग जो है ना बस शेयर कर दीजिए, एक बार मन लगा के, आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप एक बार जो है ना क्लास को बस शेयर कर दें। ठीक है, मन लगा के शेयर कर देंगे तो हमारा उसी में मोटिवेशन है। हाँ वेरी गुड इवनिंग सत्येंद्र कुमार। एक्स वाई दोनों का हो गया, हाँ तो एक्स की हो रही है अभी, वाई की भी स्टार्ट करेंगे। मनीष कुमार, हाँ बिल्कुल, हाँ जो 21, हाँ डॉली गौतम, गुड इवनिंग, वेरी गुड। हाँ बी द लीडर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए चौधरी जे आर सी, हेलो, हाँ हाय। आप देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कल आपको बता दिया था कि अगर किसी चीज में क्या हो जाए, आपका बीच में कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाता है। विशाल, हाँ मेरिट आउट हुआ हूँ, कोई नहीं विशाल, आगे और बहुत सारी चीजें आने वाली है, उस चीज का दुख नहीं बनाना। देखिए अब जो है क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आज हम थोड़े से कंसेप्ट हमारे रह रहे हैं, कंसेप्ट करके आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास के साथ बने रहे, आप लोग क्लास के साथ जो है बने रहे। हाँ प्रियांशु कुमार, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, आप लोग क्लास के साथ एक बार बने रहें। अभी कंसेप्ट खत्म होते ही जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है आपका, कि लाइट का बिखर जाना, ठीक है, लाइट का क्या हो जाना, बिखर जाना, किसी एक पार्टिकल पे पड़ने के बाद, अगर किसी एक पार्टिकल पे लाइट आ रहा है और उसके बाद वो सर को पढ़ाएंगे आज, उसे कितना क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अमन सविता बिल्कुल सर, आई एम पुअर, कोई बात नहीं रमन। हाँ बिल्कुल प्रेम तिवारी जी, हिंदी में भी बोलते रहेंगे, हिंदी में भी बोलते रहेंगे, ठीक है ना, इस बात की टेंशन ना ले, इस बात की टेंशन ना ले, बिल्कुल
इस बात की टेंशन ना ले, हिंदी में ही बोलते, एक बार बस आप लोग अच्छे से और शेयर कर दिए, लास्ट टाइम है, ठीक है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो गया, प्रकाश का बिखराव, ठीक है। प्रकाश का बिखराव का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी चीज पे कहीं पे प्रकाश पड़ रहा हो, लाइट पड़ रहा हो, और लाइट पड़ने के बाद वो क्या हो जाए, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाए। अलग अलग डायरेक्शन कहने का क्या मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाए, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव, ठीक है। कि अगर लाइट किसी एक जगह पे मान लो किसी चीज पे पड़ जाए, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, इस पे पड़ के कहीं इधर उधर चले जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखराव, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का बिखराव बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है जब, हाँ परिकर्णन, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी 5 फरवरी से, हाँ बिल्कुल रोहन मल्लिक, बिल्कुल 5 फरवरी से स्टार्ट होगी। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं है सर, ओके वेरी गुड सत्येंद्र, नेवी, कोई बात नहीं रमन, कोई बात नहीं, फिर और भी एग्जाम होंगे सर। वाई ग्रुप की रागा, हाँ वो भी मिल जाएगी आपको, वाई ग्रुप की रागा भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी लाइट है, ठीक है ना, किसी एक चीज पे पड़ने के बाद अगर वो बिखर जाए, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, बिखर जाए, और वो जो बिखरना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा वो, तरंग दैर्ध्य के ऊपर, किसके ऊपर, तरंग दैर्ध्य के ऊपर, वो क्या करता है आपका, डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो लाइट का अपने रास्ते से भटक जाना हो जाएगा ना, बिल्कुल प्रियांशु, कोर्स हो जाएगा, ठीक है, कोर्स की आप टेंशन ना ले, बिल्कुल कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट का क्या हो जाना, अपने पाथ से, ठीक है, अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाना, अलग अलग दिशा में बिखर जाना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो जिसकी भी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो सबसे ज्यादा बिखरता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी भी तरंग दैर्ध्य, जिस भी लाइट की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, वो सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, बिखरता है, ठीक है। जैसे बैगनी रंग है वो क्या होता है सबसे ज्यादा, ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा बिखरता है, ठीक है। उसके बाद जो लाल रंग है आपका, लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत ज्यादा है लाल का जो तरंग, मैथ्स का, हाँ बिल्कुल मैथ्स का शुरू से स्टार्ट होगा। प्रियांशु कुमार न्यू स्टूडेंट, ओके मोस्ट वेलकम। अमन सविता सर यू आर फेवरेट टीचर, ओके हाँ थैंक यू अमन। हरदेश सिंह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, हाँ शुरू से चलेगा, बिल्कुल सारी क्लासें शुरू से चलेंगी। तो जो लाल रंग होता है, लाल रंग में जो प्रकाश का बिखराव होगा वो क्या होता है, सबसे कम, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो बिखराव होगा वो बिखराव भी क्या होता है आपका, बहुत कम होता है। जो लाल रंग के अंदर जो बिखराव होता है वो क्या होता है आपका, बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्यादा होता है, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, जो खतरे का निशान होता है वो हमेशा किस चीज का होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है आपका, ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, ठीक है। सुदीप चौधरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यानी कि डेंजर सिग्नल, जो खतरे के निशान होते हैं, जो खतरे के संकेत होते हैं, वो हमेशा किसके होते हैं आपके, लाल रंग के। ये बोर्ड के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, वो किससे आपको कैसा दिखता है, वो लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग जो है दूर से भी दिख जाएगा। लाल रंग जो है वो किधर से दिख जाता है आपको, दूर से भी दिख जाता है, ठीक है। तो दूर से दिखने के कारण खतरे के निशान को जो है, खतरे के संकेत को जो है वो कैसा हम बनाते हैं, किस कलर का यूज करते हैं, उसमें लाल रंग यूज करते हैं। उसमें क्या यूज करते हैं हम, लाल रंग यूज करते हैं। हाँ जब भी लाइट पहले, विवेक तिवारी, विवेक कुमार, हाँ जय हिंद, बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। तो पहले माध्यम में लाइट दूसरे को, हाँ फैल जाती है, बिल्कुल प्रेम तिवारी शाबाश, हाँ बिल्कुल जयप्रकाश, लेजर लाइट में लाल क्यों लिया गया है, जयप्रकाश ये भी बताते हैं, लेजर में आईआईटी की तैयारी कराते हैं सर, ओके हाँ प्रियांशु, हाँ आईआईटी की भी करवाते हैं, कोचिंग सेंटर भिवानी में है, ठीक है ना। आप चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो जो लाल रंग है
और एक ने पूछा है कि लेजर लाइट को जो है उसमें लाल रंग क्यों यूज करते हैं, तो लेजर लाइट को क्या होता है, बहुत दूर तक भेजना होता है, लेजर लाइट को बहुत दूर तक भेजना होता है, इसीलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, लाल रंग यूज करते हैं। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मतलब उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसके बीच में कोई पार्टिकल भी आ जाए तो इतना असर नहीं पड़ता, वो बिना विचलित हुए बिना डेविएट हुए आगे की तरफ जा सकता है। ठीक है, बिना डेविएट हुए वो आगे की तरफ क्या हो सकता है, आपका मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेंजर सिग्नल को जो है वो हमेशा क्या होता है, रेड कलर का। डेंजर सिग्नल किसका होता है, आपका रेड कलर का। अब एक बात बताइए, आकाश का कलर जो है वो नीला दिखाई देता है, स्काई अपीयर्स ब्लू। क्यों दिखाई देता है नीला, आकाश का कलर, आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग। सर ये फर्स्ट लेक्चर है प्रियांशु, ये ऑप्टिक्स के और भी लेक्चर हो चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आप वहां पे। इसीलिए सर ट्रेन को रोकने के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है, बिल्कुल प्रेम तिवारी। ट्रेन के जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसको, उसमें कौन सा कलर यूज होता है, आपका रेड कलर यूज होता है। उसमें कौन सा कलर यूज होता है, आपका रेड कलर, लाल रंग होता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है ठीक है वो क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग भी नीला स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण दिखाई देता है आपको, स्कैटर, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। मतलब नीला रंग जो है वो आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा बिखरता है। नीला रंग जो है वो क्या होता है, आपको, आपका बहुत ज्यादा बिखरता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर ना हो बीच में, जैसे हम हैं और आकाश है ऊपर, ठीक है, बीच में एटमॉस्फेयर ना हो, तो एटमॉस्फेयर अगर ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा, तो आकाश का रंग उस टाइम पे आपको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश का रंग कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। लाल और बैंगनी का वेवलेंथ, ठीक है, लाल का मैक्सिमम। राम अवतार तिवारी, हाँ नाइस सुपर ओके थैंक यू। तो देखिए जो क्या होता है, नीला रंग दिखाने का क्या जो है, नीला रंग जो है दिखने का क्या मतलब हो गया, वो क्या होता है कि लाइट अगर आपका पड़ रहा है ऊपर से, ठीक है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब क्या है सन से, सूर्य से रोशनी कहाँ पे आती है, धरती पे, अर्थ पे, तो बीच में क्या आते हैं, आपके पार्टिकल्स भी आते हैं, छोटे छोटे क्या आते हैं, आपके पार्टिकल्स भी आते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, पार्टिकल पे पड़ा लाइट फिर फैल जाएगा, तो फैलेगा कौन, जिसका तरंग दैर्ध्य क्या हो, कम हो, वेवलेंथ क्या हो, कम हो, तो जो नीला रंग होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम, तो इसीलिए सबसे ज्यादा फैलता है, और फैलने के कारण हमें आकाश का रंग क्या दिखता है, नीला। एक्चुअल में नीला है नहीं, बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, लेकिन हमें क्यों दिखता है नीला, क्यों दिखता है, प्रकाश के बिखराव के कारण। नीला रंग जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, आगे क्या बात समझ में। और अगर मान लीजिए बीच में क्या हो, अंतरिक्ष ना हो, बीच में जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर ना हो बीच में, हाँ ये कम, हाँ बिल्कुल कम होती है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए बीच में क्या हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो आपको क्या दिखेगा वो, अगर बीच में एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, बिल्कुल काला दिखता है। अगर बीच में एटमॉस्फेयर नहीं हो तो आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। तो ये नीला दिखने का क्या मतलब है, आकाश नीला दिखने का क्या मतलब है, किसके कारण, बिखराव के कारण, किसके कारण, बिखराव के कारण, जो नीला रंग है वो सबसे ज्यादा बिखरता है, ठीक है ना। अब आंख के कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे एक्वस ह्यूमर है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, आंख का एक कंपोनेंट है एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर कौन सा होता है, कॉर्निया के पीछे की जगह होती है, कॉर्निया के पीछे की जगह होती है, जो किससे भरी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से। कॉर्निया के पीछे की जगह होती है जो किससे भरी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से। आगे क्या बात समझे, पारदर्शी तरल से क्या होता है, भरा हुआ होता है, पारदर्शी तरल से क्या होता है, यह आपका भरा हुआ होता है। सर आज मेरा फर्स्ट डे है, बिल्कुल मनीष गुप्ता जी मोस्ट वेलकम। हाँ विकास कुमार प्रकाश का, हाँ बताएं सर, ओके फिगर भी दिखा के बताएंगे, ठीक है। प्रियांशु कुमार सर आपका फुल नेम, प्रियांशु जैनेन्द्र मिश्रा नाम है मेरा, हाँ वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये आपका एक्वस ह्यूमर हो गया। उसके बाद आंख के कुछ और पार्ट हैं, जैसे आपका विट्रस ह्यूमर, आंख के कुछ और, आपको कंपोनेंट ध्यान रखने, ठीक है, आपसे जो डिफेंस एग्जाम में है एमसीक्यू आएंगे, ना कि डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे,
आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट पूछे जाएंगे। अब विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर क्या है, ये एक जगह है, ठीक है ना, किसके किसके बीच में, आई लेंस और रेटिना के बीच में। इसमें भी क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, आंख का जो लेंस है और रेटिना के बीच की जो जगह होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, इसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसमें भी एक तरल क्या होता है आपका, भरा गया होता है, इसमें भी क्या होता है आपका, एक तरल भरा हुआ होता है। अश्विनी कुमार प्रजापति, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हाँ मोस्ट वेलकम। इस लिक्विड, हाँ विट्रस ह्यूमर ही बोलते हैं, इस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर ही बोलते हैं, ठीक है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो तरल भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आंख के कुछ कंपोनेंट है। अब देखिए एक टर्म है एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, एकोमोडेशन पावर जो है आंख का क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि आंख के, आंख का जो लेंस है ना, हमारे आंख के अंदर क्या है, लेंस है, इस लेंस का, इस लेंस का फोकल लेंथ बदलने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ध्यान से सुनिएगा फिर से, आंख के रेटिना पे आपका इमेज बनता है, रेटिना पीछे होता है, वहां पे क्या होता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, क्या आंख थोड़ा सा क्या ज्यादा हो जाएगा, फोकल लेंथ बड़ा, और जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रिलैक्स पोजिशन में देखते हैं, तो आंख की जो फोकल लेंथ बदलने की जो क्षमता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, आंख के जो फोकल लेंथ बदलने की क्षमता है उसी को। एक्स ग्रुप के लिए योगेश कुमार, हाँ हेलो, गुड गुड इवनिंग। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सत्येंद्र कुमार, सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, प्रतीक सर भी आ जाएंगे, प्रतीक सर भी आ जाएंगे, ठीक है, सारे आपके जो है, हाँ सारे आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव, सत्येंद्र कुमार जी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो एकोमोडेशन क्या हो गया, आंख के, आंख की जो आपकी क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल दूरी, वो जो एडजस्ट करने की क्षमता होती है आंख की, आंख अपने फोकल लेंथ को कितना कम या ज्यादा कर पा रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन क्या है समझिएगा, मतलब आंख की रेंज, किसी किसी चीज की रेंज जो है, सीमा किसी चीज की, ठीक है, वो हम किसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, तो विजन में वही बात होगी, दृष्टि की सीमा का क्या मतलब हो गया, रेंज ऑफ विजन का क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ जो हमारा आंख है ना, जो हमारा आंख है, हाँ हाँ मनाबेंद्र डे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हाँ समायोजन क्षमता भी बोलते हैं, वेरी गुड, समायोजन क्षमता भी बोलते हैं। देखिए रेंज ऑफ विजन जो है वो क्या हो गया, आंख की क्षमता, किस चीज की क्षमता, कितना दूर तक देख पा रहा है और कितना नजदीक तक देख पा रहा है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन, मतलब आंख कितने नजदीक वाले चीज को देख सकता है और कितने दूर वाले चीज को देख सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन, ध्यान रखिएगा। तो आंख जो है सबसे जो नजदीक पॉइंट होता है आंख का, नजदीकी पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आंख जो है सबसे नजदीक से कितने तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, तो वो 25 सेंटीमीटर तक, ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर से अगर आप नजदीक ले आएंगे, आंख के नजदीक किसी वस्तु को ले आएंगे तो आंख उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, क्लियरली उसको नहीं देख पाएगा, तो मिनिमम जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर आंख जो है, हम कितने दूर तक हमारी आंख देख सकती है ये बताइए आप लोग, तो दूरी जो होती है मैक्सिमम वो कितनी होती है, इंफिनिटी, अनंत तक। आंख की जो मैक्सिमम रेंज है देखने की वो कहां तक है, इंफिनिटी तक, और मिनिमम कितनी है आपकी, तो मिनिमम है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा मिनिमम कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो कहां से कहां तक हम कह सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक, अनंत तक, मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, हाँ मिनिमम 25,
राहुल रसूल, हाँ जय हिंद जय हिंद। योगेश कुमार, मिनिमम 25 होता है, हाँ वेरी गुड, मिनिमम 25। और जीसू अंसारी, हाँ मैक्सिमम इन्फिनिटी, मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी, अनंत तक देखा जा सकता है। मैक्सिमम हम कितना देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। और मिनिमम कितना देख सकते हैं, तो मिनिमम आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। मिनिमम कितना देख सकते हैं आप, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, इसके अंदर कंसेप्ट है, ठीक है। अब आ जाइए नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट होता है आंख का, वो कितना होगा आपका, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए नियर पॉइंट क्या होता है, कि आंख नजदीक से कितने दूरी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसको निकट बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आंख में कुछ दृष्टि दोष होते हैं, आंख में क्या होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, पहला दृष्टि दोष क्या है, मायोपिया, समझिएगा। पहला दृष्टि दोष आपका क्या है, मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। ये इसके अंदर क्या हो जाता है, ये आपका अल्प दृष्टि दोष है। ये क्या है, अल्प दृष्टि दोष है। इसमें पर्सन को नजदीक का, किसी भी इंसान को नजदीक का ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। मायोपिया के अंदर नजदीक का ऑब्जेक्ट, हाँ मेगा, हाँ मेगा पिक्सल भी होता है, ये भी बताएंगे सर, दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। हाँ बिल्कुल, दूर और निकट, हाँ मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपको नजदीक का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। आपको क्या होता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट तो अच्छे से दिखेगा, दूर का चीज आपको, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह के डिफेक्ट में जो फार पॉइंट है आई का, वो किधर शिफ्ट हो जाता है, इन्फिनिटी से नजदीक, ठीक है। इन्फिनिटी से किधर शिफ्ट हो जाएगा, नजदीक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, रेटिना के नजदीक। आगे क्या बात समझ में, इसको हम ठीक किससे करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कनकेव लेंस से ठीक करते हैं। किससे ठीक करते हैं हम इसको, कनकेव लेंस से। इसको हम किससे ठीक करते हैं, कनकेव लेंस से, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हम किससे ठीक करते हैं, अवतल लेंस से। किससे ठीक करते हैं, अवतल लेंस से, ध्यान रखिएगा। यही चीजें आपको याद रखनी है, कि मायोपिया क्या होता है, नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखता। किससे ठीक करते हैं, तो कनकेव लेंस से, ठीक है, अवतल लेंस से। इसको क्या, इस दोष को आया जा सकता है, हम जो कनकेव लेंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, आई के इस डिफेक्ट को हटा सकते हैं। आई के इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 25 सेंटीमीटर, हाँ ये डिपेंड करेगा आई के एकोमोडेशन कैपेसिटी पे। योगेश कुमार, राहुल रसूल, कनकेव लेंस, हाँ कनकेव लेंस, ठीक है ना। ये आपका कौन सा, कनकेव। अब नेक्स्ट आ जाइए हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है ना। अब आ जाइए आप कौन सा, हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। तो ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है आपको, कि दूर का तो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है ना, लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते। हाइपरमाइट्रोपिया के अंदर जो दूर की वस्तु है उसको तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। नजदीक के वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इसको कैसे जो है हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम दूर कर सकते हैं किस चीज का यूज करके, तो इसको हम कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज करके, ठीक है, उत्तल लेंस का यूज करके, ठीक है। इसको किस चीज से हम दूर कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम किस चीज से दूर कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस आपका कौन सा हो गया, जो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। हाँ विवेक श्योर, हाँ चलिए ठीक है, 576 मेगापिक्सल बता रहे, हाँ 5 फरवरी को, 5 फरवरी से, हाँ फिर से स्टार्ट होगा राहुल भारती, हाँ सारे होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे। हाँ प्रेम तिवारी, कन्वेक्स लेंस, हाँ दूर के लिए, ठीक है, हाँ दूर के लिए कन्वेक्स लेंस, दूर के लिए आपका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो आपको जो दो कंसेप्ट बताए वो ध्यान रखिएगा, किस चीज से इसको दूर किया जाता है, इसको किस चीज से दूर किया जा सकता है, ये बात आपको बतानी है। और ये जो एक बीमारी और है इसमें, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है, कि ये लंबी उम्र होने के बाद, ठीक है ना, प्रेस बायोपिया क्या होता है, बूढ़े लोगों में पाया जाता है, ठीक है। और इसको किससे ठीक करते हैं, बायफोकल लेंस से। इसको किससे ठीक करते हैं, बायफोकल लेंस से। बायफोकल लेंस का मतलब होता है ऐसा लेंस,
ऐसा लेंस जिसमें आपका क्या हो, दो फोकल लेंथ हो। बायफोकल का मतलब होता है जिसमें क्या हो, दो फोकल लेंथ के लेंस। आपने देखा होगा कई लोगों के आधा जो लेंस है वो किसी और साइज का दिखेगा और आधा लेंस किसी और साइज का दिखता है, तो वो बायफोकल होता है। ठीक है, ये आपके क्या है, आई के जो है डिफेक्ट है। एक होता है स्टिगमेटिज्म, ठीक है ना। स्टिगमेटिज्म में का क्या मतलब होता है कि इसमें अंदर जो है, जो भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, उसमें कोई भी पर्सन फोकस नहीं कर पाता। मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की जो सेंट्रल पॉइंट होगी उसमें आदमी क्या कर सकता है, फोकस नहीं कर सकता। हमैद भी शुरू होगा, हमैद भी शुरू होगा, वो आपके 5-6 फरवरी से ही स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टिगमेटिज्म हो गया, ये स्टिगमेटिज्म हो गया। और स्टिगमेटिज्म के अंदर इसको किससे ठीक करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस से। ठीक है, बेलनाकार लेंस से हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। बेलनाकार लेंस से हम क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। उसके बाद आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि हम कलर को नहीं पहचान सकते। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, हाँ इसको अभिन्दुक्त भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल प्रेम तिवारी जी, देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसमें हम रंग में जो है अंतर नहीं पता कर सकते। ठीक है, जो अलग अलग आपके रंग हैं उसमें हम अंतर पता नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हम इसी को बोलते हैं। जैसे कई तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें क्या कहते हैं, आंख का 6x6 होना जरूरी है, तो उसमें क्या चेक होता है आपका, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है, चेक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कलर ब्लाइंडनेस में हम जो है अलग अलग रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं। कमाल खान, हाँ थैंक्स सर, ओके, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद, हाँ बिल्कुल, सभी सब्जेक्ट स्टार्टिंग से, ठीक है ना, स्टार्टिंग से चलेगा उसमें। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इस दोष में हम रंग में अंतर पता नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको किस, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता, ध्यान समझिएगा, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता है। एक्स ग्रुप के लिए है राम अवतार तिवारी जी, एक्स ग्रुप के लिए इसको परमानेंटली हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। एक बीमारी होती है कैटरेक्ट, ठीक है ना, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावर लॉस, जो आंख की देखने की क्षमता है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। आगे क्या बात समझ में, कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आंख का जो लेंस है ना दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, आंख का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, सफेद दूधिया रंग का हो जाता है। और इसमें क्या है, या तो आपका क्या होगा, आंख की जो देखने की क्षमता है ना वो क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, या तो खत्म हो जाती है, या तो कम हो जाएगी या तो खत्म। हाँ रेगुलर क्लास चलेगा सारी क्लास। मनीष राज देर हो गया, नहीं देर नहीं हुआ बिल्कुल भी, हाँ देर नहीं हुआ, पीछे देख सकते हैं। हाँ कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं, हाँ बिल्कुल जयप्रकाश जी, कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो कैटरेक्ट जो है मोतियाबिंद जो है इसमें क्या हो जाता है, आंख का जो आगे वाला पोर्शन है, जो लेंस है, ये कैसा दूधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और इसमें या तो देखने की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसको हम किस चीज से दूर कर सकते हैं, तो इसको हम सर्जरी से हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम किस चीज से दूर कर सकते हैं, इस बीमारी को, इस बीमारी को सर्जरी से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस बीमारी को ऑपरेशन से, सर्जरी से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी को किससे दूर किया जा सकता है, तो इसको सर्जरी से या ऑपरेशन से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है कैटरेक्ट। अब जैसे आज ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल उपकरण है, तो ऑप्टिकल उपकरण क्या होता है कि जो लाइट के फेनोमेना पे काम करता हो। लाइट का फेनोमेना क्या हो गया आपका, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट का जो फेनोमेना है वो क्या हो गया। राम राम सर, बिल्कुल राम राम, हाँ लेजर, हाँ ये लेजर ऑपरेशन भी होता है, उससे ये चीजें ठीक होती है। प्रेम तिवारी जी मोतियाबिंद, बिल्कुल हाँ आराम से बता रहे हैं, प्रेम तिवारी जी आराम से ही बता रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जो ऑप्टिकल उपकरण होता है, ऑप्टिकल उपकरण होता है जो किस पे काम करे, लाइट के जो अलग अलग फेनोमेना है, लाइट के जो अलग अलग प्रोसेस है उस पे काम करे, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे बात समझ में, जो किससे बना हुआ हो, मिरर से बना हुआ हो, दर्पण से बना हुआ हो या लेंस से बना हुआ हो। ठीक है, और उसमें प्रोसेस कौन सा
हो रहा हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, कौन सा प्रोसेस हो रहा हो उसमें, रिफ्लेक्शन या परावर्तन या अपवर्तन। अगर आपका कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन, कोई भी उपकरण किस चीज से बना हुआ हो, लेंस से बना हुआ हो या मिरर से बना हुआ हो, और वो किस चीज पे काम कर रहा हो, तो वो आपका अगर मान लीजिए किस चीज के ऊपर काम कर रहा हो, वो काम कर रहा हो लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के ऊपर, परावर्तन या अपवर्तन के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ बिल्कुल धीरे बता रहे हैं, सर्जरी से सर बिल्कुल, हाँ सर्जरी से, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, यही क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें सबसे पहली बात आती है माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्कोप क्या है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। हाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी करेंगे प्रेम तिवारी जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी करेंगे आगे हम। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका यूज हम किस चीज में करते हैं, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल महीन ऑब्जेक्ट को देखने में किया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किस चीज में यूज करते हैं, किसी भी छोटे चीज को बड़ा करके देखने के लिए, किसी भी छोटे चीज को किसके लिए। हाँ विक्रांत कुमार गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग विक्रांत। किसी भी छोटे चीज को क्या करने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ध्यान रखिएगा माइक्रोस्कोप का क्या काम है, किसी भी छोटे चीज को बड़ा करके, अगर हम देखना चाहते हैं किसी छोटे चीज को जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है, उसका हमें क्या चाहिए, लार्ज इमेज चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, जो माइक्रोस्कोप है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप जो है दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो आपको दिख रहा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसमें एक क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, एक कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सरल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस, वो भी एक ही उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है, और यहां पे इसका क्या बना है, इसी पोजीशन पे इसका एक बड़ा सा इमेज बन गया, इसी पोजीशन पे इसका क्या हो गया, बड़ा सा इमेज बन गया। तो आपको दो चीजें दिख रही होंगी यहां पे, यहां पे हमें दो चीजें दिख रही होंगी, एक एंगल अल्फा होता है और एक एंगल आपका क्या होता है, बीटा होता है। एक एंगल क्या होता है, अल्फा, और एक एंगल क्या होता है, बीटा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये वाला पोजीशन क्या है, आपका इमेज, ये पोजीशन क्या है, आपका इमेज। हाँ माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जयप्रकाश जी, हाँ माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो एक जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है ना, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एंगल आपका क्या होता है, अल्फा। जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो अल्फा, और जो इमेज बनाएगा वो क्या होता है, आपका बीटा। तो इसमें हम एक टर्म फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, ध्यान से समझिएगा, एक टर्म होता है माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। एक टर्म होता है आपका क्या, मैग्नीफाइंग पावर, जिसकी वैल्यू होती है बीटा अपॉन में अल्फा। क्या वैल्यू होती है, बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या है आपका, बीटा होता है आंख, इमेज जो है, इमेज का आंख पे जितना एंगल बनेगा उसको बोलते हैं बीटा, और अल्फा होता है ऑब्जेक्ट का आंख पे जो एंगल बनेगा। हाँ भिवानी से ले रहे हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए, तो आंख का, आंख के ऊपर इमेज का जो क्या बनेगा आपका, इमेज जो एंगल बनाएगा आंख के ऊपर वो है बीटा, और ये जो अल्फा आपका क्या है, अल्फा है आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु का जो आंख के ऊपर एंगल बनेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। एंगल स्मॉल होता है तो मैग्नीफाइंग पावर को एम से डिनोट करते हैं, हम क्या लिखते हैं इसको, टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अगर एंगल स्मॉल है तो मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा। हाँ विक्रांत कुमार देहरादून, हाँ वेरी गुड। अखिलेश बिस्ट, यस सर ओके, हाँ हेलो अखिलेश। हाँ कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेस होता है, बिल्कुल होता है अजय कुमार,
बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है इन दोनों का जो रेशियो होगा, टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप यही ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज जो बना है इसका कहां पे बना है इमेज, वो बना है डी पे। डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आंख की नजदीक की देखने की क्षमता कितनी होती है, आंख की नजदीक की देखने की क्षमता कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये डी क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर। डी क्या है आपका, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा डी क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे इसका क्या बन रहा है, इमेज। ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, ये इसका मैग्निफिकेशन का कुछ फॉर्मूला गिवन है आपके पास, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है आपका, मैग्निफिकेशन जो है वो गिवन है। तो ध्यान रखिएगा जो मैग्निफिकेशन, जब अगर आपका इमेज डी पे फॉर्म हो रहा हो, ठीक है ना, डी पे फॉर्म हो रहा है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा, मैग्नीफाइंग पावर, वो कितना होता है, 1 + d / f। ध्यान रखिएगा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितना होता है, 1 + d / f। डी आपका क्या है, 25 सेंटीमीटर। आंख की नजदीक से देखने की जो क्षमता होती है वही आपका क्या है, डी है। वही क्या है आपका, डी है। हाँ, डिफेंस लवर जयपुर, हाँ वेरी गुड इवनिंग हेमंत, हाँ वेरी गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल अमरेंद्र कुमार, बिहार से हूँ, पढ़ने में कमजोर, कोई बात नहीं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं, ये भावना मन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ। एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ। तो ये जो है मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का है, जब क्या हो, इमेज कहां पे फॉर्म हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और रिलैक्स्ड आई के लिए, जब आंख बिल्कुल रिलैक्स हो, हम सामने बिल्कुल किसी चीज को इजीली देख पा रहे हैं, तो m इक्वल्स टू कितना होता है, डी अपॉन में एफ। m इक्वल्स टू कितना होता है, डी अपॉन में एफ। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी क्या है आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ विनय चौहान, हाँ हेलो, सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अमरेंद्र कुमार, एयरफोर्स के लिए क्या पूछ रहे हो, एनीबॉडी वीडियो, जी हाँ। हर्ष यादव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग हर्ष यादव जी। अब आज ये नेक्स्ट के ऊपर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2000 गुना तक बड़ा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट को 2000 गुना तक क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। एक्स ग्रुप के लिए भी है, हाँ अरविंद कुमार, मेरा हो गया सर, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी, मैं भी बिहार से हूं सर, ओके धीरज कुमार जी, मोस्ट वेलकम, हाँ मोस्ट वेलकम। चलिए तो देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो क्या होता है, इसमें दो लेंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 2000 गुना तक बढ़ा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को 2000 गुना तक बढ़ा करके दिखा सकता है। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को 2000 गुना तक बढ़ा करके क्या कर सकता है, दिखा सकता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, लार्ज एंगल के लिए टेंजेंट नहीं लगा पाएंगे, एमएस धोनी ऑफिशियल। अगर एंगल लार्ज होना तो वहां टेंजेंट नहीं आएगा, सिर्फ बीटा और अल्फा ही होगा। यूपी मऊ से सर, ओके विनय चौहान जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट कर दीजिएगा अमरेंद्र कुमार जी, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अमरेंद्र कुमार जी, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये 2000, इसमें दो लेंस होते हैं, ध्यान से समझना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक क्या होता है आपका आई लेंस। एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये छोटा वाला जो लेंस आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो बड़ा वाला लेंस होता है दूसरी साइड, इसको बोलते हैं आई लेंस। इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस या आई पीस। इसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस या आई पीस, जो बड़ा वाला लेंस है, ठीक है। तो दो आपके क्या हो गए, इसमें दो लेंस हो गए ना, इसमें आपके कितने हो गए, दो लेंस हो गए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, आई लेंस। बिहार में सारण से हूं, बिल्कुल धीरज कुमार जी, मोस्ट वेलकम। हाँ प्रयागनन निषाद, नमस्ते, हाँ नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते, प्लीज ध्यान दे सर। हाँ प्रेम तिवारी जी, क्या ध्यान देना है बताइए,
हाँ, बिल्कुल नीरज, मैथ्स का क्लास भी कराते हैं। हाँ बिल्कुल, मैथ्स की क्लास भी अभी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, फरवरी में मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और ये क्या होता है इसमें, आई लेंस। तो इसमें दो लेंस होते हैं, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकता है, तो 2000 गुना तक। ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकता है, 2000, नहीं दोनों इक्वल नहीं होते, एक जो है आपका छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, ये बड़ा होता है आई लेंस। दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों इक्वल नहीं होते। एमएस धोनी ऑफिशियल इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों इक्वल नहीं होते। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस क्या होता है, बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट को 2000 गुना तक क्या कर सकता है, ये बड़ा कर सकता है ऑब्जेक्ट को। हाँ, कब से स्टार्ट, 1 महीने हो गए। प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वीडियो देख सकते हैं। शिवम सर, मैं भी वीक हूं। नहीं प्रेम तिवारी जी, अच्छा पढ़ रहे हो आप। तो देखिए 2000 गुना तक, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी वही काम होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, आपसे पेपर में डायग्राम नहीं पूछा जाएगा इसका, इसके कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। रिलैक्स आई के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, माइनस का वी ओ अपॉन में यू ओ और डी अपॉन में एफ ई, ठीक है। वी ओ क्या है, वी आपका इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है इमेज डिस्टेंस। यूओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूओ क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का। मैं बिहार के रोहतास से हूं सर, बिल्कुल नीरज जी मोस्ट वेलकम। हाँ न्यूमेरिकल करेंगे, बस ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा, लास्ट कंसेप्ट है, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहिए क्लास के साथ, ठीक है। और इसमें जो लेंथ होगी माइक्रोस्कोप की वो कितनी हो जाएगी, जो लेंथ होगी इस कंडीशन में वो कितनी हो जाएगी, वीओ प्लस में एफ ई। उसके बाद अगर फाइनल इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा हो, डी पे। अगर फाइनल इमेज आपका कहाँ फॉर्म हो रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब जो है मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस का वी ओ अपॉन में यू ओ और ये हो जाएगा 1 + d अपॉन में एफ ई, 1 + d अपॉन में एफ ई, ठीक है। माइनस का वी ओ क्या है आपका, वी ओ क्या है आपका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। यू ओ आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है। डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ है आई लेंस का। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ है आई लेंस का, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है, सारी चीजें यहां लिखी हुई है। इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा वी ओ प्लस में यू ई, ध्यान रखिएगा वी ओ प्लस में यू ई, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। वी ओ क्या है, यू ई क्या है, ठीक है ना। एफ ई क्या है, आप लोगों को पता चल गया फोकल आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा था, तो ऑब्जेक्टिव लेंस शुरू वाला था जिसका एपर्चर कम होता है, आई लेंस बाद वाला था जिसका एपर्चर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। हाँ डेली लाइव क्लास देते हैं नीरज ऑफिशियल, डेली लाइव क्लास होती है आपकी। हाँ टाइमिंग है शाम को आपकी क्लास होती है, हाँ 7 से 8 कंसेप्ट की क्लास होती है, और सुबह क्लास होती है 8 से 9 जिसमें टॉप 1000 एमसीक्यू करवाते हैं, टॉप 1000 एमसीक्यू करवाते हैं, ठीक है। एफ ई क्या है, तो एफ ई आपका है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ है। एफ ई जो है फोकल लेंथ किसका है, आई लेंस का है, ठीक है ना। हाँ रीजनिंग की भी क्लास आएगी, हाँ रीजनिंग की भी आएगी सर। डी हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल जयप्रकाश जी, जहां पे भी डी आ जाए समझ जाइए वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। जहां पे भी डी आ जाए तो समझ जाइए वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ रीजनिंग की क्लास दिन में होती है 1 बजे। विवेक कुमार सर माइनस क्यों लगा, तो माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगा है। माइनस क्या है, अगर आपका क्या है वर्चुअल इमेज बना, जो बहुत बड़ा इमेज होता है ना वो वर्चुअल होता है और सेम साइड में बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। वी के बीजे क्या आया, माइनस आया, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, वो है आपका टेलीस्कोप। बस ये हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। टेलीस्कोप देखिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए माइक्रोस्कोप क्या था, किसी छोटे चीज को,
बड़ा करके अगर देखना हो तो हम क्या यूज करते थे, तो हम यूज करते थे उसमें माइक्रोस्कोप, उसमें क्या हम यूज करते थे माइक्रोस्कोप। अब क्या है आपके पास, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, एक इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो दूर के मतलब आप आपसे बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है, ठीक है ना, उसको देखने के लिए, उस वस्तु को देखने के लिए क्या यूज होता है, टेलीस्कोप। जैसे बहुत दूर कोई चीज है तो उसको हम अपनी आंखों से इजीली नहीं देख पाएंगे, उसको हम अपनी आंखों से इजीली नहीं देख पाएंगे। डी का मतलब डिस्टेंस होता है क्या सर? नहीं राहुल, यहां पे डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आंख की जो नजदीक से देखने की क्षमता है उसको यहां पे हम डी कह रहे हैं, राहुल भारतीय, जिसकी जिसका मत जिसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। हाँ 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर, ठीक है। हाँ बलिया जिला के तरफ से आपको धन्यवाद सर जी, बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, मनीष गुप्ता जी मोस्ट वेलकम है, अरविंद कुमार नाइस, थैंक यू अरविंद। तो देखिए, तो ये क्या हो गया, टेलीस्कोप आपका क्या होता है कि अगर आपसे दूर, आपसे बहुत दूर क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपसे बहुत दूर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको आपको क्लियरली देखना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। और जो टेलीस्कोप है दो तरह का होता है, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप। टेलीस्कोप आपका क्या होता है, दो तरह का होता है, एक रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। जैसे अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं, अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूं तो दो तरह का होता है, समझिएगा, टेलीस्कोप जो है वो क्या होता है आपका, दो तरह का होता है। टेलीस्कोप जो है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप, जो टेलीस्कोप होता है एक क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप, जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो क्या है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल, वो कौन सा टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, जो ये अंतरिक्ष यात्री वगैरह यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप में होता है ये होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कौन सा, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटन ने बनाया था, जुगाड़ से टेलीस्कोप बनाया था ये, इतना कामयाब हुआ नहीं, ठीक है। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा कामयाब कौन सा रहा था आपका, रिफ्रैक्टिंग टाइप के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हाँ प्रेम तिवारी, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी, हाँ सर साइन नहीं के साथ वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हाँ साइन तो पुट करना पड़ेगा ना आपको, साइन तो पुट करना पड़ेगा। रोहित, हाँ वेरी मच गुड क्लास सर, ओके थैंक यू रोहित। नहीं मिरर नहीं होता, इसमें भी लेंस ही होगा, प्रेम तिवारी जी इसमें भी लेंस ही होता है, नहीं तब वैल्यू वहां पे नहीं पुट करनी आपको, वहां पे वैल्यू नहीं पुट करनी अंकित मिश्रा क्वेश्चन के अंदर, हाँ वहां पे वैल्यू नहीं पुट करनी, ठीक है ना। तो देखिए टेलीस्कोप सबसे पहले न्यूटन ने बनाया था, ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ये सारा जुगाड़ से बना हुआ टेलीस्कोप था, इसलिए इतना कामयाब नहीं हो पाया। जो सबसे ज्यादा चला आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो सबसे ज्यादा यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ आपका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी क्या होते हैं आपके, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। हाँ हिंदी में भी बता रहे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के डिफरेंस के बारे में बताएं सर, हाँ अभी बता रहे हैं विशेष मलिक, हाँ हेलो, हाय विशेष मलिक। तो देखिए जो ये टेलीस्कोप था आपका, ये वाला टेलीस्कोप आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है, ये है रिफ्रैक्टिंग टाइप, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, कौन सा टेलीस्कोप है ये आपका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें भी दो चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, दो चीज यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर, तो वो समझ लीजिए, एक आपका इसमें भी ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आपका क्या होगा, आई लेंस होगा, दो लेंस होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं, कन्वेक्स, ठीक है, दोनों दो लेंस होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपके, कन्वेक्स, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आपका कौन सा, आई लेंस। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो आपको दिख रहा है पहला लेंस क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव,
पहला लेंस कौन सा है आपका? ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा है आपका आई लेंस। जो दूसरा है वो क्या है आपका? आई लेंस। इसमें भी दो लेंस यूज होते हैं, दोनों कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स। इसमें भी दो लेंस यूज होते हैं। मिरर क्यों नहीं होता? देखिए मिरर नहीं होगा, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ये कौन सा टेलीस्कोप है आपका? रिफ्रैक्टिंग टाइप, इसीलिए इसमें मिरर यूज नहीं करते। ये कौन सा टाइप है आपका? रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में न्यूटन ने मिरर यूज किया था। ये कौन सा है? रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, ये कौन सा है आपका? रिफ्रैक्टिंग टाइप। ध्यान से समझिएगा, इसमें भी देखिए पहले रे इधर से आया, यहां पे इमेज बना। ठीक है, यहां पे क्या बन गया? इमेज बन गया। अब इस ये जो इमेज है इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका जो है आप देखिए कहीं दूर में क्या बना है? फाइनल इमेज बना है। कहीं दूर में क्या बना है का? फाइनल इमेज बना। तो इसको हम एफओ बोलेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो गया, और ये क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो आपको इतनी सारी बातें ध्यान नहीं रखनी, आपको बस ये ध्यान रखना है। हाँ सक्सेस होती है अजय कुमार सर, आई एम ज्वाइन नाउ। हाँ सक्सेस होती है। मिरर इसीलिए नहीं होगा प्रेम तिवारी जी, कि मिरर अगर वहां पे आप यूज करते हो तो रिफ्लेक्टिंग टाइप हो गया। ठीक है ना, आपको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर हमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो लेंस, और ये सबसे ज्यादा मैग्नीफाई कर पाता है ऑब्जेक्ट को। मैग्नीफाई कहने का मतलब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा करना हो ना, तो वहां पे सुटेबल या एप्रोप्रिएट जो है वो आपके लिए क्या रहता है? लेंस रहता है, वो भी कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स की कैपेसिटी क्या होती है? कन्वर्ज करने की, सारे लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना, तो ये टेलीस्कोप का डायग्राम है। आपको मोटी मोटी बातें यही ध्यान रखनी है। इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई लेंस। ठीक है ना, इसकी अगर हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। अगर हम इस लेंस की जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसके मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर रिलैक्स पोजीशन में है, अगर रिलैक्स पोजीशन में है मतलब इमेज जब कहां पे बन रहा हो? इन्फिनिटी पे, तब इसका मैग्निफिकेशन किसके बराबर? माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई के बराबर। ध्यान रखिएगा, अगर आई बिल्कुल किस पोजिशन में हो? रिलैक्स पोजिशन में हो, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई। और लेंथ कितनी होगी उस ट्यूब की? लेंथ कितनी होगी? एफ ओ अपॉन में Fe। ठीक है ना, अब अगर मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज कहां पे बन रहा हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए यहां पे इन सब फॉर्मूला को डिराइव करके इसलिए नहीं बता रहा हूं ना, तो इन सब का डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आया कहां से? ठीक है, तो ये तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करवा रहे हैं, मतलब आपके प्लस टू के लिए ये तैयारी नहीं है, ये तैयारी एनडीए एयरफोर्स के लिए है। तो वहां पे आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि इसको डिराइव करके बताओ ये फॉर्मूला आया कहां से। आपको बस ये पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको, और ये सारी चीजें डिराइव की होंगी प्लस टू के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जब आपने अपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा 12th बोर्ड का, तो उसमें ये सारी चीजें तैयारी की होंगी आपने। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना, किस चीज का क्या फॉर्मूला है? तो आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, वो कितना? माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई। कब? जब आंख रिलैक्स पोजिशन में, मतलब इंफिनिटी पे, मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहां पे बन रहा? इंफिनिटी पे। ठीक है, तब के लिए है। अगर फाइनल इमेज कहां पे बन रहा हो? डी पे। फाइनल इमेज किस पे बन रहा हो? डी पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो तब के लिए फॉर्मूला आपके पास गिवन है क्या? माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई, और 1 प्लस एफ ई अपॉन में कितना हो जाएगा? डी। 1 प्लस एफ ई अपॉन में कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर कहां के लिए हो गया? सन या सभी प्लेनेट को देखने के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, मेडिकल के लिए बुक ना। इसमें भी लेंस इक्वल नहीं होते अनु पटेल जी, लेंस इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ लेंस इक्वल नहीं होते अनु पटेल, हेलो। हाँ बिल्कुल, दोनों बराबर नहीं। विनय चौहान, हाँ साइज अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। हिमांशु खटाना, राम राम, बिल्कुल राम राम हिमांशु, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों।
एक रिलैक्स पोजीशन के लिए, ठीक है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा हो तब के लिए फॉर्मूला माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई. एफ ओ आपको पता है क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. और जब आपका क्या कहां पे बन रहा हो, डी पे बन रहा हो. डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तब के लिए क्या है, माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई, वन प्लस एफ ई अपॉन में डी. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. और ये जो है बहुत दूर वाले सन, जैसे प्लेनेट है, स्टार है, उस सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है ना. और जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें क्या होता है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होंगे, दो कन्वेक्स लेंस ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ. दो कन्वेक्स लेंस आपने देख ही लिया, टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस यूज हो रहे थे और दोनों का फोकल लेंथ क्या था, अलग अलग था. दोनों का फोकल लेंथ क्या था आपका, अलग अलग था. ठीक है ना सर, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा. हाँ, क्वेश्चन यही मैग्निफाइंग पावर से पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएगा इस पे. कंसेप्ट अभी बताते हैं क्वेश्चन किस तरह का आएगा. हाँ, एयरफोर्स मेडिकल के लिए भी बताएंगे, अभी मेडिकल आपके स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, उसके लिए भी एक वीडियो मिल जाएगी. दोनों बराबर नहीं होते, बिल्कुल विनय चौहान नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते. देखिए यहां पे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होंगे, दोनों आपके किसके होंगे, अनइक्वल फोकल लेंथ के. दोनों किसके होंगे, अनइक्वल फोकल लेंथ के. आप फटाफट ये क्वेश्चन बता दीजिए, आप लोग जल्दी फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन बताइए. तो ये न्यूमेरिकल है आपका, एक कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है. तो आपको बताना है पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन. पोजीशन बताइए, इमेज की पोजीशन बताइए, फटाफट बताइए पोजीशन बताइए. अब हम क्वेश्चन, हाँ जल्दी बताइए. ऑनवर्ड में भी आएगा, फटाफट ये क्वेश्चन बताइए. हाँ ये क्वेश्चन बताइए, शाबाश. कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको कनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस किया गया है. ये एक आपका क्या है, कनकेव मिरर है. ठीक है ना, इधर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर पे एक जो है क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, यही समझिए. 40 एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कितने, कहीं पे भी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कहां पे, यहां पे 10 सेंटीमीटर पे. ठीक है, मतलब आपके पास u कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, r कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर. तो आप फटाफट इसका जो है क्या बताइए, u गिवन है, r गिवन है, आपको v की वैल्यू बतानी है. आपको किसकी वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू बतानी है. v कितना होगा, v की वैल्यू बताइए जल्दी. हाँ फटाफट बताइए. प्रेम तिवारी जी, क्या समझ नहीं आ रहा, इस पे न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है आपका मिरर फॉर्मूला के ऊपर, न्यूमेरिकल है ये मिरर फॉर्मूला के ऊपर. मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल है, फटाफट बताइए. मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, v इक्वल्स टू, हाँ विशाल बता रहे हैं, 20 सेंटीमीटर रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, अभी चेक करते हैं विवेक. ये फोकल दूरी है एक, ठीक है, कनकेव मिरर की 40 सेंटीमीटर. चलिए अभी चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं. देखिए u 10 है, तो u हमेशा क्या होता है, माइनस का 10 होता है ना. u हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. तो u कितना हो गया, माइनस 10 हो गया. अब इसमें क्या कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40. r कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर. तो हम f बता देंगे, f क्या होता है, r का आधा. f क्या होता है आपका, r का आधा, मतलब क्या हो गया ये, 40 अपॉन में 2. 40 अपॉन में क्या हो गया, 2, मतलब 20. और ये सेम साइड में बना तो फोकल लेंथ कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर. आपको वैल्यू किसकी चाहिए, v की चाहिए, v की चाहिए ना. तो फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u. मिरर फॉर्मूला यही होता है ना आपका, 1/f इक्वल्स टू
हाँ अमरेंद्र कुमार V20, अमरेंद्र 4 बता रहे हैं, ठीक है। विनय चौहान 8 होगा सर, 8 देख लेते हैं अभी कितनी वैल्यू होगी। 1/F = 1/V + 1/U, आपको क्या चाहिए, V चाहिए ना, तो 1/V = हम कितना लिखेंगे बताइए, 1/V = कितना लिखेंगे, 1/F - 1/U, 1/V = हम कितना लिख देंगे, 1/F - 1/U, तो पुट कर दीजिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/V = F हमारा कितना है -1/20, और U आपका कितना है, U है आपका -10 सेंटीमीटर, तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, एक माइनस इसका और एक माइनस यू का, ये दोनों क्या बना लेंगे प्लस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/V = कितना हो गया, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का एक हो गया, ये कितना हो गया प्लस का टू हो गया, तो V की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, जो V की वैल्यू है 1/20, मतलब वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर, वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर। हाँ संदीप वेरी गुड, 20, ठीक है ना, किसके बराबर 20 के बराबर। अब आ जाइए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, फटाफट बताइए ये क्वेश्चन बताइए कि एक लड़का जो है ना एक मिरर के सामने अलग अलग डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, ठीक है ना, उसको क्या दिख रहा है, देखिएगा एक लड़का अलग दूरी पर एक दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है ना, एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, मतलब एक लड़का बार बार मिरर के सामने अलग अलग दूरी पे क्या हो रहा है, हाँ फोकल लेंथ जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवेन था धीरज कुमार, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवेन था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम क्या लेते हैं हाफ लेते हैं, ध्यान रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम क्या लेते हैं हाफ वैल्यू लेते हैं, इसीलिए 20 आया, हाँ इसीलिए वैल्यू क्या आई 20 आई यहां पे, 20, ठीक है। चलिए धीरज कुमार रियल इमेज होगा अगर सेम साइड में बन रहा है तो वैल्यू क्या होगी माइनस ही होगी, वैल्यू क्या होगी माइनस ही होगी धीरज कुमार जी, ये क्वेश्चन बताइए, हाँ उसको हमेशा अपना इरेक्ट इमेज दिख रहा है तो मिरर कौन सा रहा होगा, एक लड़का एक मिरर के सामने खड़ा हो रहा है अलग अलग दूरी पे, ठीक है, और उसको हमेशा अपना उल्टा इमेज दिख रहा है, हमेशा उल्टा इमेज दिख रहा है, हाँ ए होगा सर प्रेम तिवारी, ठीक है +20 इसका बताइए, इसको जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बताइए, एक लड़का एक मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है ना, उसको हमेशा अपना इमेज सीधा दिख रहा है, ठीक है ना, तो मिरर कौन सा रहा होगा, वो दर्पण कौन सा होगा, उभरी हुई छवि दिखाई दे रही है वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए फटाफट। दीपक कुमार ए बता रहे हैं, अमरेंद्र कुमार सी, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के करिए, हाँ डायरेक्ट नहीं करना, हाँ देख लीजिए जो इरेक्ट इमेज है वो किस तरह के मिरर में फॉर्म होता है, जो इरेक्ट इमेज है वो किस तरह के मिरर में फॉर्म होता है उस हिसाब से बताना है आपको, जो इरेक्ट इमेज है वो किस तरह के मिरर में फॉर्म होता है, हाँ उस बेस पे करना है हमें, जो इरेक्ट इमेज है वो किस तरह के मिरर में फॉर्म होगा, कर रहे हैं ए बता रहे हैं कई, हाँ सी भी बता रहे हैं, इरेक्ट इमेज कौन से में फॉर्म होता है ये तो पता है आप लोगों को, देखिए अब इसका ए होगा सर, अरे नीरज ए कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कन्वेक्स बता रहे हैं सी, थोड़ा सा तो आप लोग सोचो, बिना सोचे आंसर क्यों कर रहे हो, बिना सोचे आंसर करेंगे तो हमारा गलत ही होगा ना, आप देखिए इरेक्ट इमेज आपसे क्या पूछा है, इरेक्ट इमेज इसका जो, देखिए प्लेन मिरर में भी क्या होता है, हम जो घर में देखते हैं उसमें भी तो इरेक्ट दिखता है ना, घर में हमारा कौन सा समतल दर्पण ही होता है, घर में हमारा कौन सा मिरर होता है समतल दर्पण ही होता है, प्लेन मिरर होता है उसमें क्या है इरेक्ट दिखता है, और एक आपको बताया था कनकेव कन्वेक्स, ठीक है ना, एक आपको बताया था कौन सा कन्वेक्स, ये जिसका इनर सरफेस क्या हो पॉलिश्ड हो, जिसका इनर सरफेस क्या हो पॉलिश्ड हो, ठीक है, तो इसमें भी कैसा इमेज बनता है आपका, इसमें भी कैसा इमेज बनता है इरेक्ट, इसमें भी कैसा इमेज बनता है इरेक्ट, और एक आपका होता है प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर में भी कैसा इमेज बनता है आपका, इरेक्ट, जो घर में हम यूज करते हैं फेस देखने के लिए, घर में जो यूज करते हैं क्या। हाँ जीके यादव जी, डी, वेरी गुड। असरूफ मंडल, हाँ डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी होगा इसका, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आप लोग किसमें बन रहा था आपका, एक तो आपका बन रहा है कौन से वाले में, कन्वेक्स मिरर में, एक किसमें बन रहा है आपका कन्वेक्स मिरर के अंदर, एक किसमें बन रहा है आपका कन्वेक्स मिरर के अंदर, और दूसरा किसमें बन रहा है आपका प्लेन मिरर के अंदर, दूसरा किसमें बन रहा है आपका प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर में भी और प्लेन मिरर में भी, दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है, बिल्कुल हाँ। अब सही बता रहे हो आप लोग, अब सही बता रहे हो जीके यादव, बी नहीं आएगा, डी आएगा, यस टॉक, हाँ डी, विवेक डी, हिमांशु सी नहीं आएगी वैल्यू, सी नहीं है वैल्यू, हाँ बनता है बिल्कुल नीरज ऑफिशियल, समतल दर्पण में भी बनता है क्या आपका, आपको सीधा इमेज दिखेगा, ठीक है ना, इरेक्ट, ध्यान रखिएगा उसमें भी कैसा इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा होता है, आप देखते हो खुद को तो आपको कैसा फील होता है, जैसे सामने आमने सामने हम देखते हैं तो क्या फील होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है ना, सीधा इमेज आपका क्या होगा, फॉर्म होगा, और कन्वेक्स में भी क्या होता है, सीधा इमेज फॉर्म होता है। अब आ जाइए, सबसे पहले दिए थे, ओके अमरेंद्र कुमार, थैंक यू, सबसे पहले दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बताइए ये क्वेश्चन, गौरव महाराज हाय सर, हाँ घनश्याम सिंह डी, फटाफट अब सेकंड क्वेश्चन बताइए, सेकंड क्वेश्चन बताइए, जो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बताइए, द क्रोमेटिक एवरिएशन इन लेंसेज बिकम्स ड्यू टू, जो क्रोमेटिक एवरिएशन है, जो वर्ण विपथन है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, जल्दी बताइए जीके यादव, बी बता रहे हैं, हाँ किसके कारण होता है क्रोमेटिक एवरिएशन, किसके कारण होता है, फटाफट बताइए, क्रोमेटिक एवरिएशन होता है जब फोकल लेंथ क्या हो, सेम ना हो, फोकल लेंथ सेम, ये समझ गए सर, ओके शिवराम यादव, हाँ बताइए फटाफट बताइए, संदीप सी बता रहे हैं, टू का डी, ऋषभ बहुगुना डी कैसे आएगा, यस टॉक सी बता रहे हैं, यस टॉक सी बता रहे हैं, देखिए एवरिएशन होता क्या, श्री राम सी बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हो आप लोग, गलत बता रहे हो, ना बी आएगा ना सी आएगा, गलत है ये, देखिए ये किसके कारण होगा, तो ये होता है आपका, समझिएगा, डिसिमिलरिटी ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, जो आपका वर्ण विपथन होता है ना, क्रोमेटिक एवरिएशन, वो क्या होता है कि इसमें जो लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ राजकुमार प्रसाद बी बता रहे हैं, वेरी गुड बी, अरे राजकुमार जी बी कैसे बता रहे हो, बी नहीं आएगा, विवेकानंद उपाध्याय सी नहीं, हाँ दीपक कुमार ए, वेरी गुड दीपक कुमार ए, घनश्याम सिंह ए, मनीष आर्यन ए, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है आपका, जो क्रोमेटिक एवरिएशन होगा आपका, जो वर्ण विपथन होता है वो किसके कारण, अगर मेन एक्सिस के अंदर क्या हो आपकी, डिसिमिलरिटी हो, मेन एक्सिस के अंदर क्या हो, डिसिमिलरिटी हो, डिसिमिलरिटी का मतलब होता है कि मेन एक्सिस में समानता ना हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइट रे अगर मान लीजिए आ जाती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किस पे नहीं मिलती, वो फोकस पे होके नहीं जाती है, ठीक है, कोई रे फोकस पे चली गई, कोई फोकस पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है, हाँ प्रिया सिंह ए, हाँ ए होगा बिल्कुल, प्रेम तिवारी जी भी ए बता रहे हैं, शाबाश सुरजन यादव बी, अरे बी नहीं होगा सुरजन यादव, ए ठीक है ना, ओके सर ठीक, प्लेन और कन्वेक्स, हाँ धीरज कुमार ए होगा, शाबाश ए ही होगी वैल्यू। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट करिए ये क्वेश्चन, कोई भी पर्सन जो है ना, एक इंसान है दो प्लेन मिरर जो है ना 60 डिग्री से झुका हुआ है, ठीक है ना, तो उसके कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे, इस तरह के क्वेश्चन कल भी करवाए थे आपको कि दो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, दो आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है, इस तरीके से दो प्लेन मिरर है,
कितने का कोण बना रहा है ये, कितने का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। यहां पे कोई एक इंसान खड़ा है, यहां पे कोई एक मैन खड़ा है, ठीक है ना, कोई एक इंसान खड़ा है, तो इसको कितने नंबर ऑफ, इसको अपनी कितनी प्रतिबिंब दिखेगी, जल्दी बताइए, इसको अपनी कितनी प्रतिबिंब दिखेगी। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था आपको इस तरह के, हाँ इस तरह के कंसेप्ट कल भी बताए थे, फटाफट बताइए। जी के यादव सही बता रहे, सुरजान यादव ए, ये इस तरह के कंसेप्ट आपको कल भी करवाए थे, फटाफट बताइए क्या वैल्यू होगी। राहुल वर्मा सी बता रहे, चंदन कुमार सी, यस टॉक सी। कल ये नंबर ऑफ इमेज के क्वेश्चन आपको करवाए थे, टोटल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज के क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको टोटल, हाँ सी बता रहे हैं, बी द लीडर 5। हाँ घनश्याम डी, कैसे डी नहीं है घनश्याम, राजकुमार जी सी, घनश्याम डी, चंदन कुमार 5, हाँ बिल्कुल सी, हाँ ये कंसेप्ट कल करवा रखा है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए इस पे क्वेश्चन मिल गया आपको, सर समझा दें कैसे आई वो समझ लीजिए, इसका जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, इसका क्या होगा, सी होगा। इसके लिए नंबर ऑफ इमेज का कल फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस वन, क्या होता है आपका 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस वन, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ इमेज, ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ इमेज। तो यहां ये कब होता है फॉर्मूला, जब आपका क्या हो 360 अपॉन में थीटा क्या हो, इवन हो। ये फॉर्मूला कब होता है, जब 360 अपॉन में थीटा क्या हो, इवन हो। देख लीजिए एन इक्वल्स टू 360 अपॉन में थीटा माइनस क्या होता है आपका वन, कब, वेन 360 अपॉन में थीटा इज इवन, जब 360 अपॉन में थीटा क्या हो, इवन हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे 360 अपॉन में थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। सर मैं आज से रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, अभी बता देते हैं, कोई नहीं। तो 360 थीटा कितनी है 60 माइनस वन, तो हम क्या कर लेंगे, इसको काट दोगे 6, 6 माइनस एक आपका क्या हो गया 5, 6 माइनस एक क्या हो गया आपका 5। और एक फॉर्मूला होता है सिर्फ 360 अपॉन में थीटा, ये तब होता है जब 360 अपॉन में थीटा क्या हो, ऑड हो, ठीक है ना, जब 360 अपॉन में थीटा ऑड हो तब n की ये वैल्यू होती है, सिर्फ 360। यहां तो 360 अपॉन में थीटा जो 60 है वो क्या है आपका इवन है, वो क्या है आपका इवन है, तो 6 माइनस 1 कर लेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। हेड पेन हो रहा है, ओके गौरव, हाँ आप रेस्ट कर लीजिए। प्रेम तिवारी हाँ, ए ए नहीं, देखिए 5 आपका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 5, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5, इस पे हम रख देते हैं ना, तो 360 अपॉन में 60 माइनस का कितना हो गया 1 हो गया, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होता है नंबर ऑफ इमेज का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज बता सकते हैं कि कितना इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, कितना इमेज फॉर्म हुआ है। ऑड का केस, हाँ ऑड का केस होगा तो 360 अपॉन में थीटा होगा, बस माइनस वन नहीं करना, अगर ऑड का केस हो गया तो 360 अपॉन में थीटा है उसमें आपको माइनस वन नहीं करना, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। हाँ ऑड का केस नहीं होगा नीरज, ठीक है ना, डी ओके है, डी नहीं सी होगा आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सी। तो आप चलिए क्लास को यहाँ ओवर करते हैं एक बार, कल हमें क्वेश्चन सी करने, कल शाम को ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ही करेंगे, और सुबह सुबह सबको आना है कल 8 बजे, बिल्कुल कोई भी लेट नहीं होगा, सुबह 8 बजे सबको आना है, ठीक है। 1000 MCQ के लिए हम सीरीज कर रहे हैं, उसमें सबको जुड़ना है, आप सबको जुड़ना है कल सुबह, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आएंगे उसमें, ठीक है, आप शेयर भी कर देना कल 8 बजे, एकदम आप जो है तैयार रहिएगा 8 बजे, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने में। तो कल सुबह सबको आना है 8 बजे, और कल शाम को हम ऑप्टिक्स के इसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लाइट के ही और क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन और करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शाम की भी क्लास अटेंड करनी है आपको 7 से 8, हाँ थैंक यू सो मच, ओके, कल शाम की भी क्लास अटेंड करनी है, और कल सुबह सुबह सबको आना है 8 बजे, 1000 क्वेश्चन की MCQ होती है, डेली होती है, ठीक है, तो डेली ना बताना पड़े, कल आप लोगों को सबको जो है 8 बजे क्लास अटेंड करनी है, ठीक है ना। और आज वाली में किसी को डाउट रह जाए तो आप जो है जरूर मुझसे फिर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में,
हाँ ओके, थैंक यू नीरज, तो फिर कल मिलते हैं हम सुबह 8 बजे।